हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्जाम हेल्पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका ईएमआरएस का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। 17 तारीख को आपका जेएसए का पेपर है और शायद आई थिंक 23 को अकाउंटेंट का पेपर है। दोनों में मैथमेटिक्स का पोर्शन था। मैंने आपको द एग्जाम हेल्पर जीके पर पूरी थ्योरी आपको लगभग कंप्लीट करा दी है। जितना भी बेसिक, जितना भी ट्रिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप थे, सब मैंने पूरा का पूरा रिवीजन आपको करा दिया है। और मैंने आपको बोला था कि मैं केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दूंगा, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, और आपका ईएमआरएस का एग्जाम भी सीबीएसई के द्वारा कराया गया है। तो हमारा ये केंद्रीय विद्यालय का लास्ट पेपर है, इसको मैं सॉल्व करा करके आपकी मैथ्स की पूरी तैयारी को कंप्लीट करूंगा। लास्ट मेरा ये वाला पेपर है। मैंने 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, सारी शिफ्टें करा रखी है। मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है, मिक्सर एलिगेशन सब कुछ पढ़ा रखा है। बच्चा जाकर के उसको आप देखें। कंप्यूटर का पेपर सर करवा रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस भी हैं, जाकर के देखिए। मेरी ये प्लेलिस्ट है, देखिए प्लेलिस्ट को आप मिल जाएगी। परसेंटेज में परसेंटेज पढ़ा दिया है, रेशो पढ़ा दिया है, मिक्सर एलिगेशन पढ़ा दिया है, एज पढ़ा दिया, जितने इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे सब मैंने करवा दिए हैं। तो मैं ये वाला लास्ट सेट भी आपको करवाता हूँ। चलते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, ये स्पेशल शिफ्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारे राहुल सर की शिफ्ट है। ठीक है ना, राहुल सर को आप जानते होंगे, राहुल सर की शिफ्ट है। तो जेएसए सेक्रेटरीट का पेपर दिया था उन्होंने 5 तारीख की 10 बजे की शिफ्ट वाला, ठीक है ना, वो पेपर दिया था। देखते हैं मैथ्स का लेवल उनकी शिफ्ट में कैसा आया था, ठीक है ना। और खुद उन्होंने दे रखा है तो एक बार देखिए, हम मैच भी करते जाएंगे कि उनसे कितने सही थे कितने गलत थे, सब देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो 51 नंबर पे आई थिंक आता है। हाँ देखिए, हिंदी इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लीजिए। 101 नंबर, द वैल्यू ऑफ 5/5, ठीक है ना, देख लेना। इंग्लिश वालों के लिए लगा दिया है। हिंदी में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चा, बोर्ड मार्क्स के सवाल मैंने आपको थ्योरी दे रखी है सिंप्लीफिकेशन में। अगर आपको नहीं आते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, जाकर के देखिए। क्या मैंने सबसे पहले आपको बोला था बच्चा का सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाला सबसे पहले सॉल्व होगा। का सॉल्व करेंगे तो बच्चा 6/25, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा 3 * 3 और 5, 5/2, 5/2 सॉरी 5/3 आ गया, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 से 5 और ये जाएगा 2, तो 2/5, 2/5 इसको सॉल्व करने पे आया। आप बोलोगे सर डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको उल्टा कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5/3। फिर उसके बाद वापस डिवाइड है सर, इसको वापस पलट दो, वापस पलटोगे तो आप कितना आएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आप बोलोगे सर 1/2 आ गया। क्या बात क्लियर हुई? आप बोलोगे सर ये पूरा सॉल्व हो गया, इसको तो मारो गोली और ये आ गया 1/2। यहाँ पर आप इसके आंसर लिखते चले जाओ। ये वाला अब बच्चा यही वाला सॉल्व करें तो क्या पक्का पहले का सॉल्व होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, 2/3 मल्टीप्लाई बाय सॉल्व करोगे आपके पास 9/5। फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 बार चला गया 6/5। 6/5 क्या बच्चा ये डिवाइड दे रखा है? आप बोलोगे हाँ सर डिवाइड दे रखा है, तो इसको डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन उल्टा कर देते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सॉल्व करो बच्चा कितना आता है? ये बोलोगे सर आप ये आता है 5/8, 5/8 आता है। फिर उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/8, बट बच्चा ये माइनस का है। देखो यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो ये माइनस की वैल्यू है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2। नहीं एक मिनट गलती कर दी शायद, हाँ 8 में से अपन ने ये किया तो 5 - का + 3 - 1/8। जब अपन -1/8 इसे, मैंने यही वाला माइनस पहले लिख दिया था तो वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो -1/8 जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक दो बटे आठ का मतलब -1/4, तो -1/4। जब इसे सॉल्व किया जाएगा, एलसीएम लिया कितना आया, 4 आया, 2 * 2 से डिवाइड किया तो 2 - 4 से 1 बार 1/4 हमारा आंसर। क्या 1/4 आंसर है? हाँ सर करेक्ट, ऑप्शन सी है, सर ने भी सी लगाया, होशियार है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्या ये भोकाल सीरीज के अंदर सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था? आप बोलोगे हाँ सर कराया था। जिन्होंने नहीं देखा उनको इरिटेट होना चाहिए, बिल्कुल
बच्चा अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपके पास 2 दिन है, 2 दिन का मतलब होता है 48 घंटे। मैंने लगभग लगभग 20 घंटे के अंदर पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट कराई है। आप जाकर के देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको आपके ने नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। तो प्लीज कृपया करके बात को मानिए, जाइए वीडियोस देखिए द एग्जाम हेल्पर जी के, मेरे लिए नहीं, खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के माँ बाप के लिए, खुद के माँ बाप के सपने के लिए, अपने आप देखिए। 2 अंकीय संख्या सॉरी 2 3 अंकीय संख्याओं का SCF और LCM 230 और 1380 है। इन दोनों में से छोटी संख्या है कौन सी है? अब देखो बच्चा, एक बात बताओ, क्या मैंने आपको LCM को लिखना सिखाया था? HSHXOXY, क्या ये लिखना बताया था? जिनको LCM आता है उनको ये पता होगी कि LCM बराबर H मल्टीप्लाई बाय XY होता है, जिसमें ये जो होता है ये को प्राइम फैक्टर होते हैं, ये को प्राइम फैक्टर होते हैं। मोबाइल आ रहा था, है ना? ठीक है ना, कई लोग बोलते हैं देख रहा है, ठीक है ना, मोबाइल आ रहा है, फोन बज रहा है, ठीक है, काट देता हूँ अभी तो फिलहाल, बाद में बात करूंगा। कई लोग बोलते हैं सॉल्यूशन देख करके करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एलसीएम, एलसीएम बराबर एच एक्स वाई, ठीक है ना, एच एक्स वाई को प्राइम है, को प्राइम होने चाहिए एक्स वाई, बिल्कुल सर आपने बता रखा था। तो एलसीएम कितना दे रखा है बच्चा? आप बोलोगे सर 1380 बराबर h कितना दे रखा है? 230 और x और y, क्या ये कोप्राइम बन जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर, 0 से 0 गया, 23 से गया कितनी बार, 115 और 23 8, 115 5 6 6 बार। तो x और y के मल्टीप्लिकेशन को करने पर कितना आना चाहिए? आप बोलोगे सर 6। तो 6 के कोप्राइम फैक्टर में बांटोगे तो आप बोलोगे सर एक ही तो बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, खत्म। क्या मैंने तुमको ये बात बताई नहीं थी कि ये जो को प्राइम फैक्टर होता है यही इसका रेशो होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, रेशो जो होता है ये एक तरीके से शरीर होता है, जिन्होंने क्लास देख रखी है उनको सब समझ में आ रहा होगा। शरीर होता है, जब अपन इसमें एच एस सी एफ नाम की आत्मा जोड़ देंगे तो क्या ये कंप्लीट हो जाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 230 अगर मैं करूंगा तो आप आएगा 460, और 460 अपना आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या पूछता तो मैं इसमें से 230 मल्टीप्लाई कर देता तो 690, तो 690 बड़ी संख्या पूछता तो ये वाला आंसर आ जाता। देखें सही है आंसर, सही है। यहाँ पे सर का थोड़ा सा गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वालों देख लो, फिर आगे चलता हूँ मैं। देखो बच्चा, हिंदी वाले देखते जाओ क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। एलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है क्या बच्चा? सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। अब बोलोगे हाँ सर, प्रीवियस ईयर प्रीवियस मॉक में भी कराया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब इस टाइप का, ये एलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पूरी की पूरी बता रखी है, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, सब बताया है ना। तो सबसे पहले बच्चा इनको देखो, अगर इसको देखोगे तो आपके पास पता लगेगा कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबसे पहले क्या ये बात समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब समझना बच्चा, मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखा है, इसको छोड़ो, यहाँ पर अटैक करो। इसका मतलब अगर ये आइडेंटिटी बन रही है तो नीचे भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए मिला और यहाँ पर बी मिला, बाकी तो कुछ मिला नहीं सर, तो क्या होगा इसका? अरे बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6.4 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? आप बोलोगे सर 40.96 आएगा। कैसे निकाला? 64 का स्क्वायर मुझे याद है, 4096 आता है, बस इससे ही दिमाग लगाया मैंने। तो क्या बच्चा ये ए स्क्वायर दे रखा है? आप बोलोगे बिल्कुल। इसका 56 का स्क्वायर क्या 31 36 मैंने सॉल्व करना सिखाया नहीं है आपको? 56 का 6 का 36, इसको अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो 25, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30, और 30 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा इस तरीके से, तो क्या 31 36 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, अब दिमाग लगाया मैंने, और इस दिमाग लगाने से मुझे ये पता लगा कि जो नीचे वाली बॉटम वैल्यू दे रखी है उस बॉटम वैल्यू के अंदर ये बी स्क्वायर है। जब आप इसे दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नीचे बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या ये बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलना, आप बोलोगे सर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या सही बात है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, आपके पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ आया a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये तो अलग से 1.9.12 चल ही रहा है।
क्या बच्चा अब इसे सॉल्व किया जा सकता? आप बोलोगे हाँ सर, हमारे पास ए स्क्वायर तो दे ही रखा है, ये रहा ए स्क्वायर 40.96, फिर उसके बाद ये बी स्क्वायर दे रखा है कितना, ये बी स्क्वायर दे रखा है 31.36, बस ए बी तो निकालना है, बस ए बी निकाल दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो ए बी कैसे निकालेंगे बच्चा, 54 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, सॉरी 56 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 का, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे आप आएगा 24, 2 4 दूनी 20, 20 और 22, ठीक है ना, क्रॉस लगाया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 छक्की 36, 6 पंजी 30 और 1 33। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 35.3584। अब बच्चा दो के बाद एक यहाँ का पॉइंट था, एक यहाँ का पॉइंट था, मतलब दो के पॉइंट बाद पॉइंट लगाना है, तो 35.84 अपन इसमें से माइनस कर देंगे। आप बोलोगे सर झटके से, बच्चा झटके से क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे तुम्हारे कितने भी जोड़ लगा लो, तुम बता देना मेरे को इसको झटके से करके मैं बैठाऊं, ठीक है ना, झटके से नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, उस अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो ठीक ठाक ही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 40.96 प्लस 36, 31.6, 31.36, जब अपन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, हासिल का एक 9, 10, 13, 9, 10, 13, हासिल का एक 2, फिर उसके बाद अपन जोड़ेंगे तो ये 72.32, ये 72.32 आया। 72.32 में से 35.84 लेस करना है, जब आप इसे लेस करोगे तो 12 आएगा, 12 8 ये आ जाएगा 12, 12 में से क्या 4 पॉइंट पॉइंट हटेगा, 11 11 में से अगर अपन 5 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा बताओ, 6, और यहाँ से अपने पास 6, तो ये आ जाएगा 36.8। आप बोलोगे सर इस पूरे को पूरे सॉल्व करने पर नीचे आया 36.48, ये पहले से ही दे रखा है। अब a माइनस बी की वैल्यू आप निकाल लो, बच्चा a क्या है ये, b क्या है ये, दोनों को लेस करेंगे कितना आएगा 0.8। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये डायरेक्ट बनता हुआ दिख रहा है, 4 गुना, डायरेक्ट 4 गुना बनता हुआ दिख रहा है ना भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 912 चार गुने के बराबर डिवाइड बाय 4, 0.8 डिवाइडेड बाय 4, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/5, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, और करेक्ट ऑप्शन सी था, संडे दो लगा, ठीक है ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या था, 3, और यही मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बेसिक से अगर मैं इसको उड़ाना चाहूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, आपके एग्जाम में टाइम है, ठीक है ना। चलो आगे इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन, मैं हिंदी के ऊपर चलता हूँ। चलो बच्चा हिंदी के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चा, अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो कोई आइडेंटिटी लगी नहीं रही। बच्चा जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 0.96 एक क्यूब दे रखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगेगा लगेगा लगेगा, इसको विद इन टाइम सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लगेगा। आप बोलोगे सर फॉर्मूला दिख रहा है, ये मुझे ध्यान आ रहा है 8 होता है, तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 बनेगा। तो बस बच्चा आपने ये बात पकड़ ली कि ये 0.32 का क्यूब है। यहाँ पर देखो बच्चा ये भी 0.2 का क्यूब है, 0.2 का क्यूब है ना, मतलब 0.2 का स्क्वायर है। बस सर यही तो हमें समझाना था आपको, कि आपने ये वाला फॉर्मूला हमें याद करा रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या ये याद करा रखा है? आप बोलोगे बिल्कुल सर याद करा रखा है। तो चलो बच्चा फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, जब इसको यहाँ पर मैं मुंडी घुमा करके लेकर के आऊंगा तो आप बोलोगे सर ये इस तरीके से हो जाता है, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, क्या सही बात है क्या? आप बोलोगे अब इसमें फॉर्म बन रही है क्या? देखो ना यहाँ पर है ए क्यूब, यहाँ पर है बी क्यूब, बिल्कुल सर यहाँ पर सेट हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सेट हो गया। नीचे वाला देखो, क्या ए स्क्वायर दे रखा है? बिल्कुल सर। क्या ए बी दे रखा है? आप बोलोगे सर हाँ ए ये है और बी हमारा 0.02 है, ठीक है ए बी। क्या ए का स्क्वायर दे रखा, सॉरी बी का स्क्वायर दे रखा है? आप बोलोगे हाँ सर, अब काम हो गया अपना, अब हो गया। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, और ये अलग से चल रहा है, तो इसमें अपन डिवाइड करेंगे 19 का, ठीक है ना। तो a माइनस बी की वैल्यू जल्दी से बताओ बच्चा क्या होगी? आप बोलोगे सर a माइनस बी की वैल्यू, क्यों टेंशन ले रहे हो, a माइनस बी को लेस कर दो यहाँ से,
0.96 में से अगर 0.20 कटाओगे तो 0.76, 0.76 डिवाइडेड बाय 19 जब हटाओगे तो दो जीरो नीचे, 76 जो होगा वो चार बार जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 100 बराबर 0.04 आंसर, 0.04 आंसर। इसलिए पढ़ाए थे तुम्हारे को, मजाक नहीं किया था मैंने यार, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने में इतना टाइम लगाया था, मतलब कितना मेरे हिसाब से 45 मिनट पूरे के पूरे, 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास ली थी। एलजेब्रिक भी बताया, डेसिमल भी बताया, सारे बॉड मास भी बताया, सब बताया। ठीक है भाई, और क्या करें, चलो आगे चलो बच्चा। क्या मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी? आप बोलोगे हाँ सर डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। क्या उसमें 88 का रूल बताया था? बोलोगे बताया था। डिविजिबिलिटी कैसे लिख सकते हैं? 8 और 11 की डिविजिबिलिटी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये है? तो अपन ऑप्शन से चेक कर लेंगे। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी बताओ, क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? मैं बोलूंगा नहीं है। आपको कैसे पता सर? यहाँ पर मैंने सम और विषम देख लिया, अगर यहाँ पर सम है तो 62 में ही डिवाइड करके देखो 8 का नहीं जाता, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो 88 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्या 3 है विषम है? 4 ऐड करो, ये हो सकती है सर, ठीक है ना, क्योंकि 56 का 5 8 में भाग जाता है। दो देखेंगे अपन तो 64 सम है, डायरेक्ट जाता है सर, बिल्कुल ये हो सकती है। 5 है, 5 विषम है, 4 ऐड करेंगे 36, 36 में भाग नहीं जाता 8 का, ये आंसर नहीं हो सकता। बस एक ऑप्शन अगर ये चेक कर दिया तो एक ऑप्शन चेक कर लो। और जब अपन 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कैसे करते हैं बच्चा? ऐसे ऐसे करते हैं ना, ठीक है ना, इसको और इसको करो। 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। 11 प्लस 5 कितना होता है बताओ? बताओ 11 प्लस 5 16। फिर उसके बाद अपन इसको माइनस करेंगे, 0 0 और 3, 0 3, 3 और 2 5, जब इसमें से माइनस करेंगे 5 तो आपके पास 11। क्या यही ऑप्शन सही होएगा क्या? अब बोलोगे सर यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका डिफरेंट 11 का मल्टीपल आ रहा है, इस ऑप्शन को चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन सेट हो गया। किसी एक को चेक कर लो, दूसरा गलत अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर बच्चा? आगे चलें, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं। ए और बी में एक सॉरी इंग्लिश वालों के लिए रह गया ना, इंग्लिश वालों जब तक देखो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच, इंग्लिश वालों ने देख लिया होगा, हिंदी वालों को मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ए और बी एक साथ मिलकर के 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम प्रारंभ किया और 20 दिन के पश्चात, मतलब इसका मतलब ए ने काम छोड़ दिया। बच्चा एक बात बताओ, क्या ए और बी ने मिलकर के 20 दिन कोई काम किया है? अब बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद तब बी तब तक काम करता रहता है जब तक काम समाप्त ना हो। संपूर्ण काम जो है वो 26 दिन में कंप्लीट हो गया। बी के आरंभिक काम के एक तिहाई भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो इजी है बच्चा। क्या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट से नहीं बताए? याद करो बच्चा, एक बात बताओ, ए और बी 24 दिन साथ में काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता। उन्होंने काम कितना किया? ओनली 20 दिन। क्या बच्चा ए प्लस बी की एफिशिएंसी का अगर मैं 4 दिन से मल्टीप्लाई कर दूं क्या ये रिमेनिंग वर्क आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर ये रिमेनिंग वर्क है। बच्चा ये रिमेनिंग वर्क जो है क्या अकेले एक बी करेगा? आप बोलोगे हाँ सर बी करेगा। और बी कितने दिनों में कर रहा है? आप बोलोगे सर ये 20 दिन तो काम करके चले गए थे, टोटल काम अगर 26 दिन में हुआ है तो इस ड्यूरेशन में सिर्फ बी ने काम किया और शेष काम को कंप्लीट कर दिया। तो क्या बी ने ये काम 6 दिन में किया है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा अपने पास 2a + 2b = 3b। जब अपन इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a = 1b। क्या याद है? इसको छुपा लो तो a की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, b आएगा 2, 1:2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब तो 24 मल्टीप्लाई बाय दोनों की एफिशिएंसी करेंगे तो 3, ये हमारे पास 72 टोटल वर्क आ गया। क्या बोला गया है? बी अकेला काम का एक तिहाई कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा? 2। अब काम का एक तिहाई कराना है 1/3, खत्म, 12 आंसर आ जाएगा, 12, ठीक है ना।
ये करेक्ट ऑप्शन ये है ना, ध्यान रखना है ना, ये आंसर की सर ने लगा रखी है और ये करेक्ट ऑप्शन ये है, तो 1 इसका आंसर आएगा। ओके बच्चा, क्लियर? चलो, सेम टाइप का क्वेश्चन है यार, मैंने बहुत बार करा दिया, अब मैं डायरेक्ट ही चलूंगा इसके ऊपर। यदि 35 अभी भी किसी ने पढ़ाई नहीं करी है तो शीट जाकर के सॉल्व कर लेना, 99% क्वेश्चन वहीं से ही गिरेंगे, देख लेना तुम, ठीक है ना। जिस दिन आऊंगा पेपर सॉल्व कराने तुम्हारे को 17 तारीख को, मैं पेपर पूरा सॉल्व करवा दूंगा तुम्हें, पूरा बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, ये है, ये है, सारा डाल दूंगा। चूंकि मैं कल घर जा रहा हूँ बच्चा, मैं गया नहीं हूँ काफी टाइम से, मतलब दिवाली पे गया था, पर दिवाली पे मैं ज्यादा रुका नहीं, मेरे घर के बस दिवाली मनाई और मैं आ गया, 2 दिन की छुट्टी ली थी मैंने, ठीक है ना, सैटरडे संडे वो भी, ठीक है ना, जो मेरी ऑफ होती है ऑलरेडी वही लिया मैंने। मैं अभी आपके एग्जाम के लिए, चूंकि मेरी 3 3 दिन छुट्टी थी, अभी गुरु नानक जयंती वाले दिन 3 दिन छुट्टी थी, ठीक है ना, मतलब सैटरडे संडे और गुरु नानक जयंती, एक बीच में और एक छुट्टी थी जब मेरी 3 दिन छुट्टी थी, पर मैं ओनली बिकॉज आपके लिए, सिर्फ ओनली फॉर यू, ठीक है ना, कि आपके लिए मैं रुका हूँ, अदरवाइज मैं चला जाता तो मैं कल घर चला जाऊंगा, तो मैं आज सारे के सारा पेंडिंग काम कंप्लीट करके जा रहा हूँ। बट हाँ ये है कि मैं पेन टैब और मेरा जो माइक वगैरह है ये सब का सब लेकर के जा रहा हूँ, ताकि आपको मैं वहां पर बैठ करके पेपर का सॉल्यूशन करा सकूँ। 27 की शाम को आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 35 × 6 बराबर एक 35 व्यक्ति 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो 15 दिन में 15 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? तो सिंपल सीधा सा है, खत्म, सॉल्व कर लो इसको। 15 से गया 3 बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 7 बार, 3 से गया 2 बार, 14, 14 हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं कई बार, है ना, तो ये 1 ऑप्शन ठीक है, इसका करेक्ट है। चलो अब इंग्लिश वाले बच्चा देख लो, फिर आगे मैं चलता हूँ। अरे ऑफिस में यार काम रहता है काफी, है ना, मैं क्या करूँ बच्चा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं, मैं जितने लोगों की, भले ठीक है मेरे को 1000 लोग देखे, पर मेरे को हेल्प करनी है ना, मैंने जिस कठिनाई या जिस परेशानी से मैं गुजरा वो तुम्हारे को नहीं करना चाहिए। अरे तुम पता नहीं क्या क्या लिख देते हो, बहुत बच्चे अच्छा भी लिखते हैं, बहुत बच्चे बहुत वो लिखते हैं, एक पता नहीं क्या कह रहा था, बिल्कुल ही अजीब, मैं शर्म आ जाती है मुझे बोलने में, है ना, तो ध्यान रखा करो थोड़ा। हम भी यार जॉब करते हैं, उसके बाद भी आते हैं सिर्फ आपके लिए, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता, मैं सच्ची बता रहा हूँ, नहीं मिलता, ठीक है ना, नहीं मिलता, कुछ भी पैसा नहीं मिलता, वैसे ही बस आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। 5 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक औसत जो है वो 60 है, बाद में यह पता लगा कि 38 अंकों को गलती से 83 पढ़ लिया गया। बच्चा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया बच्चा? 38 अंकों को 83 पढ़ लिया गया, क्या औसत में अभी बढ़ोतरी आ रही होगी? आप बोलोगे हाँ सर आपने ज्यादा पढ़ लिए तो औसत तो ऑब्वियसली बात है बढ़ा हुआ होगा। फिर अंतर डिसाइड करो, 83 - 38 13 5 कितना आएगा? 45। तो 45 अपने पास आया, ये सर जो 45 है ना ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको माइनस करो सब में से। आप बोलोगे हाँ सर सब में से अगर माइनस करोगे तो एवरेज में से ही आप डायरेक्ट 9 का लेस कर दो और आपके पास 51 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को बेसिक से समझना है तो मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, 5 व्यक्तियों का प्राप्तांक 60 है, तो 5 × 60 टोटल अंक कितने हैं? 300 हैं। आप बोलोगे सर 35 जोड़ने थे, आपने 83 जोड़ दिए, तो और 45 में माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट जो टोटल है वो ये है, डिवाइड करो 5 से, तो क्या ये एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा? बस यही मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे चलो, और चलो, क्या ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करा रखा? शीट उठा करके तो देखो बच्चा, वहां पर बस 7 संख्या है, 8 संख्या ले रखी थी और मैंने यहाँ पर, पढ़ लो बच्चा प्लीज पढ़ लो, ठीक है ना। चलो, 4 संख्याओं का औसत जो है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो चौथी संख्या का 4 5 गुना है, तो बताइए चौथी संख्या है। सिंपल सीधा सा है, प्रथम 3 का औसत जो है चौथी के 4 गुना है, 5 गुना है, तो एक तो फोर्थ संख्या हो गई, और जब एक तीन प्रथम 3 का औसत हो गया, प्रथम 3 का औसत हो गया, ठीक है ना बच्चा। अब देखो समझो, जब अपन फोर्थ संख्या का 1/5 रेशो लेते हैं, बच्चा ये 5 गुना बोल रहे हैं तो 5, बट बच्चा 5 जो है औसत है, इसका मतलब सर अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा,
तो पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो टोटल है वो 15 है और फोर्थ संख्या 1 है। बस यही तो बोला गया बच्चा मेरे से। मेरे से क्या बोला गया, चार संख्याओं का औसत इतना है। तो 8 × 4 क्या मैं टोटल कर सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल सर टोटल कर सकते हो। 32 टोटल आया है। यहां से अगर मैं टोटल देखूँ तो कितना है, 16। 16 बराबर है 32 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी बच्चा, 2। चौथी संख्या पूछी है, 2 × 1, 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या 2 सही है? 2 बिल्कुल सही है। ठीक है ना बच्चा, इजी मैथ आया है इसमें ना, ज्यादा कोई टफ मैथ नहीं आया। पिछली जो शिफ्ट थी वो बहुत अच्छी थी, है ना? ये ठीक है, इजी है, ठीक है ना, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आगे चलो बच्चा, आगे चलते हैं। क्या मैंने वोट के इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको नहीं कराए? हैं, कराए ना, सॉल्व कर दो इसे। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे तथा जीतने वाले को वाले ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 2100 वोटों से हरा दिया। यदि जीतने वाला प्रत्याशी को वोटों के 48% वोट जो है प्राप्त हुए, एक मिनट एक मिनट, बच्चा ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है ना? प्लीज सॉरी, मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा, बहुत सॉरी बच्चा, वो थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभार, एक इमरजेंसी कॉल आ गया था, है ना? ठीक है ना, ऑफिस से ही था। किसी चुनाव मतलब ऑफिस से मतलब होता है बच्चा कि मेरे साथ में जो काम करने वाले होते हैं उनको कोई चीज पता नहीं होती, या बोलते हैं कि सर ये वाली बात का क्या करना है या कल क्या करना है, तो वो पूछने के लिए, है ना? अदरवाइज और कुछ नहीं, ऑफिस में कौन बैठा रहेगा अभी। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले के अपने प्रतिद्वंदी को 2100 वोटों से हरा दिया। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ और 7 अमान्य घोषित हुए, तो टोटल वोटरों की संख्या, बच्चा क्या आपको मैंने समझा रखा है कि टोटल वोटरों की संख्या मेरे को 100 माननी है? आप बोलोगे हाँ सर। 100 में से बच्चा 7% तो घोषित नहीं हुए, मतलब अमान्य घोषित हो गए, तो बच्चा क्या आप 93% वोट बढ़े क्या? आप बोलोगे हाँ सर। ये बोल रहा है कि एक प्रतिद्वंदी को, मान लो ए है, ए को टोटल का 48 मिला। अब आप बोलोगे सर टोटल का अगर ए को 48 मिला है तो बचा हुआ बी को मिला होगा, तो बचा हुआ कितना है बच्चा इसके अंदर, 45। आप बोलोगे हाँ सर 45। ये बोल रहा है इसको 48% मिले, इसको 45 मिले, तो बच्चा ये कितने से हारा बी? आप बोलोगे सर 3% वोट से हार गया। 3% वोट की वैल्यू दे रखी है 2100, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। और अगर 100% अपने को वोट निकालने हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 700 × 100 = 70,000, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर है। ये नहीं है ना आंसर, ठीक है ना, ये वाला आंसर है एक। ओके बच्चा, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 111 नंबर। यदि एक्स बराबर वाई जो 6y है, तो बताइए एक्स से वाई कितना परसेंट अधिक है। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। आप क्या करिए, एक्स को वाई को यहाँ पर लेकर के आ जाइए, 6:1, बस यही इनका रेशियो है, 6:1 एक्स और वाई। क्या रेशियो से डायरेक्ट मतलब परसेंटेज निकाला जा सकता है? आप बोलोगे हाँ सर। एक्स से वाई कितना परसेंट कम है, एक्स से वाई, वाई कितना कम है, 5। वाई कितना कम है, 5 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ जाएगा 83.13। खत्म। होप सो क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। यही तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना, ये संडे टिक लगा रखे हैं तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नीचे वाला करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, समझो बच्चा। एक दुकानदार अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर के बेचता है, परंतु माल का मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। क्या बच्चा ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने करा रखा है? आप बोलोगे हाँ सर करा रखा है। आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सीपी और एमपी का रेशो याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। क्या होता है बताओ, बोलो। 100% माइनस डिस्काउंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या सही बात है? आप बोलोगे हाँ सर। 15% छूट अगर अपन लेस करेंगे तो 85% क्या हो गया हमारा, ऐसा सीपी हो गया। एमपी जो है वो कितना है? आप बोलोगे सर एमपी है हमारा 30%, तो 30 130 हो गया। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो एक तरफ आएगा 17 और एक तरफ आएगा कितना, 130 कितनी बार जाता है, 24, 26, 26 बार जाता है, हाँ 26 बार, 26 बार।
आप बोलोगे सर यही है क्या, आप बोलोगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल सर। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ से लाभ परसेंट कैसे निकाला जा सकता है, लाभ परसेंट तो तब निकाला जाता ना जब आप बोलोगे मुझे एसपी सीपी, एसपी में से सीपी माइनस करते हैं तब जाकर के लाभ आता है ना। बिल्कुल, तो 17 डिवाइड 17 और 26, 26 में से अपने को 15% की छूट देनी है, तो क्या 26 की जो चीज है वो 85% में बेचनी है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशियो ये 100 जो है यहाँ पर कन्वर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 17, 17 26 मल्टीप्लाई बाय 85। क्या क्लियर हो रही है बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो 17 से 5 बार, 17 से 1 बार ये 100 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कोई गड़बड़ आ रही है क्या? कुछ गड़बड़ आ रही है लग रहा है यार। एक मिनट, 85% दिया तो 100% यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही है। रुको एक मिनट सॉल्व करके देखता हूँ। लिख दो रट करके आया है ठीक है ना? अरे भाई रट करके नहीं आता मैं कुछ भी यार, रट करके नहीं आता ठीक है ना। एक बार बस देख लेता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या है कैसे है कैसा पेपर आ रहा है बस। बाकी ऐसा थोड़ी है कि रोज मेरे को इतना टाइम मिलेगा, डायरेक्ट ऑफिस से आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। देखो चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, वहां से शायद थोड़ा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो बच्चा 15% की छूट हमेशा किसके ऊपर मिलेगी? ये होता है डिस्काउंट और ये होता है मार्क प्राइस। क्या मैंने ये आपको बता रखा है? आप बोलोगे हाँ सर। इसकी अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू निकालू तो 30/20 आती है, क्या सही बात है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। 20 की चीज अपन ने 17 में भेज दी ठीक है ना, ये एसपी आ गया अपने पास ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया मार्क प्राइस एमपी। ये बोल रहा है कि 30% उसको ज्यादा रखा। तो बच्चा एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखूँ तो कितना 3/10 होती है? आप बोलोगे हाँ सर। कोई चीज 10 रुपए की थी, आपने 3 रुपए मार्क कर दी, क्या ये दोनों के दोनों मार्क प्राइस है यहाँ से भी और यहाँ से भी? आप बोलोगे बिल्कुल सर। मार्क प्राइस को सेम कर लूँ? आप बोलोगे सर 13 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर, 20 का यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने पास फाइनल रेशियो आएगा कितना, 2600, 260, और ये आएगा अपने पास 200। और अपने पास एसपी का जो रेशियो आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। एसपी का रेशियो निकालने के लिए 17 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 13 सत्ती 13 सत्ती 91, हासिल का 9 13 और 1 7 22, 221। 221 आया, 221 दोनों का अंतर जो होगा प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट होएगा 21 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप इसे 10.5% सही कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ठीक है ना, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। या एक तरीका मैं और यार लगाने वाला था इसके अंदर। हाँ बच्चा ध्यान रखना, जब भी आप इसका सक्सेसिव परसेंट निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, ध्यान रखना। मैं बताता हूँ देखो आपको कैसे, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। इसलिए तुम्हारे चैप्टर में डिस्काउंट नहीं दे रखा बच्चा, बट डिस्काउंट का क्वेश्चन आया है इसलिए पढ़ाया था मैंने ठीक है ना। जाकर के देख लो बच्चा, डिस्काउंट की चैप्टर में व्यूज कम है। मुझे लगता है कि आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि डिस्काउंट नहीं आ सकता, चैप्टर सिलेबस में नहीं है बच्चा, आ सकता है, ध्यान रखना ठीक है ना, पढ़ के जाना। जब मैं इन दोनों के ऊपर सक्सेसिव लगाता हूँ तो आप बोलोगे सर 30% अधिक करा था, माइनस कर दिया 15% की छूट, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 15 माइनस ये आ जाएगा 4.5। जब सॉल्व करोगे तब भी 10.5 ही आंसर आएगा, क्या समझ पाए क्या? तो ध्यान रखना बच्चा, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट सॉरी मार्कअप प्राइस परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, फिर उसके बाद माइनस एमपी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना बच्चा, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ओके। बच्चा सारे तरीके मैं बता देता हूँ जितना भी रहता है। 113 नंबर, ये वाला आंसर कौन सा सही था? थर्ड सही है ना ठीक है ना बच्चा, थर्ड सही है इसका आंसर ओके। चलो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लो, मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ ठीक है, हिंदी वालों पे बढ़ता हूँ। देखो किसी वस्तु को इसके मूल्य के 7/2 पर बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को इसके आरंभिक मूल्य से विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो बताइए लाभ क्या होगा। एक मिनट, पहले
वस्तु दो की थी, उसको सात में बेचा तो प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है? रुको चेक कर, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं डल गया है यार? गलत दे रहे, वही तो मैं बोलूँ यार, ये एकदम से क्या है बच्चा? ये वाला क्वेश्चन गलत है, आंसर शीट में भी गलत आया है। देखिए ये लिखा हुआ है, मार्क अवॉर्डेड टू ऑल, ठीक है ना, सबको ही इसका फ्री का मार्क्स मिल रखा है, तो कृपया करके इस क्वेश्चन को ना करें। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं तो सर आप थोड़ा सा ठीक करके बता दो। बच्चा मैं अगर होता तो इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि इसको 2/7 में बेचता अगर मैं, तब जाकर के लॉस होता, फिर उसके बाद प्रॉफिट क्या होता। तो समझ लो बच्चा, मैं बता देता हूँ। किसी वस्तु को आपने विक्रय मूल्य के बेचने से 2/7 में बेचने से 30% का लॉस हुआ। तो बच्चा ये जो है ना, ये दो जो है, ये दो जो है, 100% अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास प्रॉफिट था, है ना, 100% अगर, सॉरी 100% अगर सीपी था, अगर 30% लॉस पे बेचा जाता है तो क्या एसपी जो है वो 70% के बराबर होगा? हाँ बोलोगे हाँ सर 70% के बराबर होगा। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 रेशो की वैल्यू, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो अपन 7 7 से 7 गया तो 20। तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट जो एसपी होगा वो कितना होगा? 20 होगा। एग्जैक्ट जो एसपी होगा वो 20 हुआ होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, मैं बोलूंगा आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। बट अगर आपने ये एसपी नया निकाला है, नया एसपी आपका 7 के बराबर आपने निकाल दिया वैल्यू, तो 20 आया है। अच्छा फिर ऑप्शन से भी मैच नहीं हुआ ना। हाँ तो बच्चा ये क्वेश्चन रॉन्ग है ना, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब रॉन्ग ही है तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। चलो 114 नंबर क्वेश्चन, क्या सेम का सेम करा रखा है? आप बोलोगे हाँ सर करा रखा है। आपने रेशो को मर्ज करना सिखाया था, यदि एक्स और एक्स रेशो वाई 4:7 है और वाई रेशो जेड जो है वो 3:5 है, तो बताइए एक्स वाई और जेड किसके बराबर होगा? अभी मैं ऊपर एलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं करता ना, तो नीचे लिखे होते हैं कि सर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो भी नहीं कराते, इतना माथा फोड़ी है बच्चों की, देख लो तुम, ठीक है ना। तभी तो सिलेक्शन रेट कम हो गया है, तभी तो डिप्रेशन की जो सीमा है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल क्या है, लोग है ना मतलब टांग खींचने में लगे हैं। ये नहीं है कि क्या तुमको हम दे रहे हैं, हमारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर किसी अच्छी भलाई करने के लिए, ये नहीं, ठीक है ना, टांग खींचनी है। ये नहीं आता तो ये नहीं आता, ये नहीं आता तो ये नहीं आता, पता नहीं मुझे तो गाली भी देते होगे तुम, तुम्हारा कुछ पता नहीं है भाई। 3:5 कोई दिक्कत नहीं, जो 7 बढ़ेगा वो गारंटीड 17 को देख लिया आएगा, ठीक है ना, कि हाँ वाकई आ गया। 3 × 7 = 21, 7 × 5 जो है 35, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे 12 21 और 35, खत्म, ठीक है, उल्टा एंड बनता है, देख लेना। बराबर करने वाला तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। आज तो क्या शीट ही छाप दी क्या अपनी, सेम के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। रमेश और नसीम की वर्तमान आयु जो है वो 16:19 की है, 4 वर्ष पूर्व इसका अनुपात 14:17 है, तो नसीम की बताइए क्या? बच्चा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, वर्तमान आयु का अनुपात इतना है 4 वर्ष पूर्व, तो आप क्या करो सर ऐसे करो, 4 वर्ष पूर्व लिखो इसको, 4 वर्ष पूर्व का मतलब 4 वर्ष माइनस, तो 14:17। जब ये दोनों का अंतर निकालोगे तो बराबर आना चाहिए। आप बोलोगे सर बराबर है, 2 का अंतर 4 के बराबर है, तो 1 का अंतर जो है वो 2 के बराबर है। बस नसीम की वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु ये रही हमारे पास, दे रखी है वर्तमान आयु। नसीम को 2:1 रेशो की वैल्यू अगर 2 के बराबर, तो नसीम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 आंसर, खत्म, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन करा रखे हैं, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने भी अभी तक भोकाल सीरीज नहीं देख रखी, आपके पास टाइम है जाकर के देखिए, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये करेक्ट आंसर 3rd आ गया, ठीक है बच्चा। चलो 116, ठीक है ना, 116 नंबर क्या कह रहा है? किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई भी धनराशि जो है 20 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, क्या सेम क्वेश्चन नहीं करा रखा शीट के अंदर? भोकाल सीरीज लो प्लीज, कम बोल देना, बार बार एक ही चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इरिटेशन नहीं हो बच्चा, आप थोड़ा सा सीखे वहां से जा करके, ठीक है ना, कोई बात नहीं। स्वयं की जिसकी इच्छा है वो देखे, जिसकी इच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्वयं की 5 गुनी हो जाती है बच्चा, क्या मैंने आपको ये समझा रखा है कि जब भी 5 गुनी हो जाए तो 5 गुनी हो जाएगी, तो उसके अंदर 1 गुनी तो वो खुद मूलधन होगा,
और वो जो 4 यूनिट आपको मिला है वो ब्याज होगा, क्या ये बता चुका हूँ मैं? आप बोलोगे हाँ सर आप बता चुके हो। बच्चा एक बात बताओ, अगर 4 यूनिट जो है वो 20 साल में मिला है तो 1 साल का क्या आप मुझे ब्याज बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर 1 साल का ब्याज मैं आपको बता सकता हूँ, 1/5। 1/5 ब्याज है वो एक एक मूलधन पे मिलता है, मल्टीप्लाई करोगे 100 तो आपके पास आंसर आएगा 20%, और यही फाइनल आंसर है। मैंने आपका इसको डायरेक्ट शॉर्ट भी बताया था कि आप बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस 4 डिवाइडेड मतलब इसमें से एक कम किया करो और जितने वर्ष हैं उसमें से डिवाइड कर लिया करो, यही आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर मिल जाएगा 20%। खत्म, डायरेक्ट शॉर्टकट है। ओके बेसिक तो मैंने बता ही दिया, खैर आपको। चलो आगे चलो, 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर कह चुका है क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है आ जाओ। ठीक है, 16,000 रुपये की धनराशि, एक धनराशि पर 20% दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जब अर्धवार्षिक संयोजित हो। क्या बच्चा चक्रवर्ती ब्याज के लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, अर्धवार्षिक संयोजित करने पर आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और रेट जो है वो आधी हो जाएगी, क्या बता रखा है? तो आपका ये क्वेश्चन जो है अब इस तरीके से सॉल्व होएगा कि यहाँ पे तो 3 वर्ष हो गया और यहाँ पर 10% हो गया। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन, जितनी कंडीशन दे रखी है उतनी पढ़ लो पहले। तो 10%, आप बोलोगे सर 10% निकालेंगे, 1600, 1600 और 1600। जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नहीं देखा है, 3 साल का ट्री मेथड बता रखा है। जब इसे सॉल्व करेंगे 160, 160 और 160, और लास्ट में इस ब्याज के ऊपर एक ब्याज और मिलेगा 16। जब इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये होएगा 4800। 160, 160, 160 अपना टोटल मिला करके करेंगे तो कितना आएगा ट्री मेथड में, 480 और ये 16, तो 480, 480 नहीं, हाँ 496। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5296। एक तो बच्चा ये वाली कंडीशन हो गई जिसमें अपना 5296 आ गया। उसी राशि पर उतने ही समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज उसी की दर से ऊपर वार्षिक संयोजित हो, इसका मतलब क्या बच्चा, अब रेट जो है वो जैसी दे रखी है वैसी रहेगी क्या? आप बोलोगे हाँ सर अब वैसी रहेगी, आपने कल ये बात समझा रखी है। तो 16,000 का बच्चा मैंने बोला था आपको, एक सही 1/2 पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसका अगला डाल दो, मतलब 2 साल का ब्याज निकालो और दूसरे वर्ष का आधा कर दो। तो बस बच्चा देखो 1600, नहीं, 20% आएगा ना बच्चा, एग्जैक्ट 20% रहती। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3500, फिर ये आएगा 3500, इसके ऊपर 20% तो 640। आप बोलोगे सर इसको पूरा नहीं लेना, इसको आधा लेना है, बिल्कुल आप होशियार होते जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1920, 1920 इसमें ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर 0, 2, 11, हासिल का 1, 5, 2100, 5120। अब बच्चा एक बात बताओ, 5120 जो है वो हमारे पास एक कंडीशन पे आया, यही पूछा है कि दोनों का अंतर क्या है। तो बस सॉल्व कर लो, 5296 माइनस 5120, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 176, 176 आंसर आया। ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बोला था कि एक बार अर्धवार्षिक बोल देगा, एक बार वार्षिक संयोजित बोल देगा। चाहो तो मेरी PDF जाकर के देख सकते हो, खैर PDF मैंने अभी डाली नहीं है, वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, आज ही वो चैप्टर मैंने अपलोड किया है, जाकर के देखिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है ना, ये वाला सही है, करेक्ट ऑप्शन 1। ओके चलो अब देखो, अब क्वेश्चन और हमारे पास 118 नंबर है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बौकाल सीरीज के अंदर करा रखा है, जब मैंने आपको बोला था ये वाला कर लेना, ठीक है ना। देखो 8,000 रुपये की धनराशि जो है वो 20% वार्षिक की दर से कितने वर्षों में 10,648 हो जाएगी जब वार्षिक ब्याज संयोजित होता है, मतलब सर रेट आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा, क्या बता रखा है ये बात? हाँ सर, तो ये आ जाएगा 10% और मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वर्ष नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं है कितने वर्ष है, निकालना पड़ेगा। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हैं, एक वर्ष इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्ष होता तो डायरेक्ट 10% अगर अपन निकालते तो 8800 ये नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करके देखो, 2 वर्ष, आप बोलोगे सर 2 वर्ष की 21% रेट होती है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 21% हमारा जब अपन सॉल्व करेंगे तो 2180 कितना हो गया, 2180 108, 168 है ना, 168 ही हुआ ना, 168, ठीक है, ठीक है ना, 168 हुआ। अब 168 मतलब हो जाएगा 1680,
8,000 डिवाइडेड बाय 8,000 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 9,680। तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं होगा, क्या 2.5 वर्ष हो सकता है? आप बोलोगे सर एक बार और चेक कर लो। तो बस अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है। तो बच्चा ध्यान रखना, आपको वार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित करना है तो ये डबल टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? छोड़, मैं बेसिक से ही बता देता हूँ, ठीक है ना? मेरे को लग रहा है कि तुमको कम समझ में आ रहा है, मैं बता देता हूँ। रुको 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 रुको, चलो देखो सॉल्व करता हूँ मैं पूरा का पूरा बेसिक से, तुमको कम समझ में आ रहा होगा मेरे को लग रहा है। फिर बोलेंगे कि सर को भी नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। चलो 8,000 रुपये का है, जब तक मेरे को ये चीज़ नहीं मिलेगी जब तक मैं इसको सॉल्व करता रहूँगा, आपके पास 10% रेट है, 10% रेट है बच्चा। एक काम कर सकते हो, इसका 10% रेट है तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 10% आएगा 800 रुपये। फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, 800 रुपये मैं फिलहाल 3 वर्ष के लिए मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 वर्ष में आंसर नहीं आया था, तो मैं 3 वर्ष में अटेम्प्ट ट्रायल लगा करके देखता हूँ। तो ये आ गया अपने पास 800, 800 का 10% 80, 80 और 80 और एक इसका 10% 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 800, 800, 800 आएगा 2,400। फिर उसके बाद 80 तिया आ जाएगा अपने पास 240 और 8 248, तो 2,400, 248 जब जोड़ोगे आपके पास तो 6,2628। जब 8,000 प्लस 2,648 अपन जोड़ते हैं तो अपने पास आंसर आता है 10,648। क्या यही बन रहा है कि आप बोलोगे हाँ सर आपका अटेम्प्ट ट्रायल मेथड सही है, इसका मतलब इसका आंसर 3 साल आना चाहिए। पर बच्चा 3 साल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो? बच्चा क्या मैंने एक बात बताओ, अभी आपको रेट बताया था कि समय जो है अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तब जाकर के 3 साल आना चाहिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय जो है इसका आधा होगा, इसका मतलब 1.5 वर्ष होगा, ये करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर यही तरीका है? नहीं बच्चा, एक और तरीका है, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ, ऑप्शन से भी बता दिया था, ठीक है ना? तुम्हें समझ में कम आया होगा इसलिए मैंने फिर बेसिक से भी बताया। और देखो बच्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना बच्चा, इन दोनों का अंतर ले लेना। इन दोनों का अंतर लोगे तो आप बोलोगे सर 2648 इसका अंतर आ रहा है, ये 8,000 रुपये के ऊपर इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो। आप बोलोगे सर ठीक है इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, 8 से 2648 को डिवाइड करोगे तो 8 के 24 मतलब 3 बार, 3 बार के बाद आएगा 2, 4 आएगा अपने पास 3 और ये 1, और 1 से 0 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे तो 33.1। क्या बच्चा मैंने आपको 10% की इफेक्टिव रेट 33.1 नहीं बताई थी जब मैं आपको लेक्चर कल पढ़ा रहा था? बिल्कुल, तो 33.1 जो है वो 3 साल में कन्वर्ट हो जाती है। पर ध्यान रखना बच्चा ये अर्धवार्षिक है तो समय आधा कर देंगे, मतलब पहले डबल किया होगा, एग्जैक्ट आंसर के लिए मुझे आधा करना पड़ेगा, तो इफेक्टिव रेट बेस्ट मेथड है इसके लिए, ठीक है? चलो ये तभी आएगा जब आप पढ़ाई करोगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर तो करते रहो बेसिक बेसिक, ठीक है ना? दो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर सही है, ठीक है ना? सॉल्व करके निकाल लेना, इंग्लिश वालों देख लो सॉल्व कर लेना। मैं आगे चलता हूँ। एक रेलगाड़ी 600 मीटर 1200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 90 सेकंड और 150 सेकंड में पार कर सकती है, कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बच्चा सिंपल सीधा सा है, देखो एक बात बताओ, क्या रेलगाड़ी की जो लंबाई है, क्या रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो बराबर होगी? सर बोलोगे बिल्कुल बराबर होगी। ऐसे वैसे क्वेश्चंस को मैंने डायरेक्ट करना सिखाया था, जब भी इन दोनों का, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ट्रेन की वो पूछे तो आप बस इन दोनों का अंतर लोगे 600, इन दोनों का अंतर लोगे 60, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड वो चलती है, ठीक है ना? 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना चल गई बच्चा? आप बोलोगे सर 900 मीटर चली है, 900 मीटर अगर चली है तो 600 मीटर प्लेटफॉर्म की है, 300 मीटर जो है वो ट्रेन की है। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा एक बात बताओ, क्या स्पीड तो दोनों की बराबर होगी ना? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई एक्स है और 600 मीटर का पुल पार किया है डिवाइड बाय 90 सेकंड में, तो क्या बराबर होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ से इसकी स्पीड आएगी, ट्रेन तो एक ही है ना, दोनों की स्पीड सेम होगी। बच्चा एक्स एक्स ट्रेन की लंबाई 1200 डिवाइडेड बाय 150, अगर क्या इसे सॉल्व किया जाएगा तब भी स्पीड बराबर होगी ना? आप बोलोगे हाँ सर। जब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3 और ये 5 बार, जब अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5x+3000 इक्वल्स टू 3x+3600,
अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 600 और x बराबर 300, हमारा आंसर फाइनल। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चा, क्लियर। बेसिक से भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया। चलो आगे चलते हैं, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन ये रहा, हिंदी के लिए मैं आप चलता हूँ आगे। देखो, एक नाव के साथ 42 किलोमीटर 7 घंटे में चलता है। बच्चा नाव के साथ इसका मतलब डाउन स्ट्रीम बोल रखा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है। बिल्कुल, एक्स होती है अपनी नाव की चाल और ये होती है धारा की चाल। समझ में आया बच्चा? आप बोलोगे बिल्कुल। 42 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो स्पीड आ गई बच्चा 6 किलोमीटर पर आर। तो 6 किलोमीटर पर आर करेंगे तो एक्स प्लस वाई होगा 6 किलोमीटर पर आर। सही बात है बच्चा। धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो एक्स माइनस वाई होगा, जिसको अपस्ट्रीम कहा जाता है। 40 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पर आर और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। क्या बच्चा इसे सॉल्व किया जा सकता है? आपने बोला था सर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो नाव की आ जाएगी और दोनों को लेस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो धारा की आ जाएगी। बस मुझको यही पूछना था, इन दोनों का अंतर 1/1 डिवाइड बाय 2 करेंगे किलोमीटर, आंसर तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये आपकी सारी की सारी मैंने प्रैक्टिस कंप्लीट करा दी है बच्चा। किसको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, इतनी ईमानदारी से, इतना शिद्दत से ई एम आई एस के लिए पूरे यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया हो, मैथ्स को लेकर के 2-2 घंटे की क्लासेस, मैराथन तो बहुत चलाते हैं, 4 घंटे में क्या होता है बच्चा? मैंने एक मतलब इनफ से इनफ टॉपिक करा, इनफ से इनफ मतलब तुम्हारा लेवल नहीं है उसके भी क्वेश्चन मैंने डाल दिए कि यार क्या पता आ जाए, पूरी तरीके से समझाए। तो होप फॉर दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे करके आना, बहुत अच्छे से जाएगा। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें से ही लगभग लगभग मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जितना मैंने मेहनत करी है वो सक्सेसफुल हो, आपकी मेहनत भी सक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से भी पढ़ दे करके आना। ओके बच्चा।